हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद एक्सीलेंस। मैं देवाशीष, बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम बीएचयू, एंड आज हम लोग कॉस्ट अकाउंट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। कॉस्ट अकाउंट के इसके पहले जितने भी सीरीज आ चुके हैं, आप लोग उन सारे सीरीज को देख लीजिएगा। वो सारे सीरीज इम्पॉर्टेंट है एमकॉम फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। बीकॉम फ्रेंड्स के लिए जो पहला वीडियो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था। बेसिक कॉस्ट अकाउंट पूछे जाएंगे हमारे बीकॉम एंट्रेंस में और एमकॉम एंट्रेंस में, तो सब कुछ पूछा जाएगा जो कि अब तक पूरा हो चुका है और जो आज पढ़ाने जा रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये कुछ पहले के भी इसमें कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे और कुछ इसमें नए पॉइंट्स भी मिलेंगे, मतलब एज ए रिविजन टाइप का हम आज करवाने जा रहे हैं आप लोगों को, जिसमें आपको कुछ नए नए पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को, कॉमर्स नेशन के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के बीच में, ताकि सारे उन सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके जो अभी तक प्रिपरेशन अपना नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जिसमें से कि क्वेश्चन इस साल आने के उम्मीद है, तो उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया आप लोगों के लिए। देखिए, पहला क्या है, जॉब कॉस्टिंग पढ़ा है हम लोगों ने, बस यहाँ पे थोड़ा रिकॉल करने के लिए मैंने रखा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो कि पहले पढ़ लिया है, तो वह वो भी कुछ पॉइंट यहाँ पे देखने को जा रहा दिखेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जॉब कॉस्टिंग तो पढ़ तो लिया है, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल कर ले, रिविजन हो जाएगा। जैसे जॉब कॉस्टिंग का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस एग्जाम्पल है, मशीन टूल्स मैन्युफैक्चर, जनरल इंजीनियरिंग वर्क, रिपेयरिंग शॉप, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा है फ्रेंड्स हम लोगों ने, इसके जस्ट पहले ही वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है। उसमें बहुत सी चीज़ों को हम लोगों ने कैलकुलेशन को देखा था कि वर्क सर्टिफाइड कितना कितना होगा, तो कितना कैसे दिया जाएगा। तो एक बार उसके कुछ एग्जाम्पल्स को रिकॉल कर लेते हैं, जो एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड है कि पूछे जा सकते हैं। तो सेपरेट अकाउंटिंग ये भी पढ़ा था हम लोगों ने उस वीडियो में, कि सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कॉस्ट अकाउंट का बनता है अकाउंट, ठीक है। यूज्ड बाय कौन यूज करता है, सिविल इंजीनियरिंग बताया था मैंने, बस रिकॉल करिए आप लोग मेरे साथ, दोहराइए चीज़ों को, ठीक है। यूज बाय सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, बैच कॉस्टिंग, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग, पढ़ा था हम लोगों ने बहुत पहले भी इसको, ये एक एक्सटेंशन है जॉब कॉस्टिंग का। तो इसमें क्या है, सामान जो मतलब प्रोडक्शन तो जो होता है वो एक लॉट में, हर एक लॉट में, ठीक है ना, लॉट में इन दिस सेंस हो सकता है एक बार में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा होगा, या एक बार में क्या हो सकता है 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो हम लोग एक एक यूनिट को पकड़ के नहीं कैलकुलेट करते हैं कॉस्टिंग, हम लोग क्या करते हैं एक लॉट को उठा लेते हैं। जैसे इस लॉट में 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो टोटल इस लॉट का कॉस्टिंग क्या आया, तो दैट इज कॉल्ड योर बैच कॉस्टिंग, ठीक है। एक लॉट, इसी लॉट को हम लोग एक लॉट कहते हैं, या तो एक बैच, ठीक है ना, और इन्हें सिंगल बैच। इट इज यूज्ड इन बिस्कुट्स, गारमेंट, स्पेयर पार्ट्स, मेडिसिन, टॉय इंडस्ट्री। इसके पहले भी कुछ और जो एग्जाम्पल दिए गए थे बैच कॉस्टिंग में फ्रेंड्स, तो उन सारे एग्जाम्पल को भी आप लोग रिकॉल करिए, और जो जो एग्जाम्पल आपको इस वीडियो को देखते समय याद आ रहा है बैच कॉस्टिंग के या किसी भी कॉस्टिंग के, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा था हम लोगों ने, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशन कॉस्टिंग, याद रखिएगा ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे जोड़ा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग को ऑपरेशन कॉस्टिंग भी कहा जाता है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एवरेज कॉस्टिंग, एवरेज कॉस्टिंग भी कहा जाता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नए पॉइंट्स मिल रहे हैं, वही मैंने बताया स्टार्टिंग में वीडियो के, कि कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ पुराने पॉइंट्स को हम लोग रिकॉल भी कर लेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है इस बार कि पूछे जा सकते हैं, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस कॉस्टिंग भी इसको हम लोग कह सकते हैं, कंटिन्यूअस कॉस्टिंग। यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल, सोप, फिनाइल, ऑयल, रिफाइनरी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन ऑपरेशन बताया था मैंने कि यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग इसको कहते हैं, कहाँ यूज होता है याद आ रहा है कुछ, ब्रिक मेकिंग में यूज होता है, क्वेरीज में, सीमेंट में,
माइंस में, इन सब जगहों पे यूनिट कॉस्टिंग यूज होते हैं। इन ऑल दिस इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कॉस्ट, स्टैंडर्ड यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे ऐसा तो नहीं है कि एक सीमेंट का यूनिट मतलब अलग होगा तो दूसरे सीमेंट से, ऐसा नहीं है। तो सबका क्या होगा, यूनिट जो होगा स्टैंडर्डाइज होंगे, मतलब सभी एक दूसरे के आइडेंटिकल यूनिट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये यूनिट कॉस्टिंग यूज किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू एसर्टेन कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट जहाँ एसर्टेन करना हो वहाँ यूनिट कॉस्टिंग लगाते हैं। ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक नई न्यू पॉइंट आप लोगों को मिला। अब सर्विस और ऑपरेटिंग, याद आ रहा होगा इसका मैंने एक एग्जांपल बताया था आप लोगों को, वेल्डिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है ना। तो सर्विस यूनिट वाले यूज करते हैं इसको, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग वाले। तो वेल्डिंग नहीं होगा इसका एग्जांपल। सर्विस मींस जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इट इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल, रेलवेज, होटल्स, ठीक है ना। तो इन सब जगहों पे क्या यूज होता है फ्रेंड्स, सर्विस कॉस्टिंग या कह ले ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। अब उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एस्टरटेनमेंट, कैसे एस्टरटेन करते थे हम लोगों ने इसका एक क्वेश्चन भी किया था, जिसमें पैसेंजर थे, किलोमीटर थे, कितना बस रन कर रहा था, वो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे भी वही उसी फॉर्मूले को एक बार हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कैसे कैसे एस्टरटेन किया जाता है। इसको पर किलोमीटर के बेस पर भी एस्टरटेन किया जाता है, पर पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से भी एस्टरटेन किया जाता है, और पर टन के हिसाब से भी एस्टरटेन किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब फार्म कॉस्टिंग नाम से ही क्लियर है, फार्म मींस वहां पे यूज किया जाता है जहां पे फार्मिंग का काम होता है, ठीक है। जहां पे एग्रीकल्चर का काम होता है वहां पे फ्रेंड्स ये फार्म कॉस्टिंग यूज किए जाते हैं। तो इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, नर्सरी, प्लांटेशन, इन सब जगहों पे फार्म कॉस्टिंग, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड काम हो रहे हैं वहाँ पे फार्म कॉस्टिंग यूज किए जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब मल्टीपल ऑपरेशन या एक्टिविटी कॉस्टिंग, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, मल्टीपल कॉस्टिंग जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें बनते हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेशन, बताया था मैंने कि जहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन, एक ही इंडस्ट्री में जहाँ अलग अलग काम होते हैं वहाँ पे एक्टिविटी कॉस्टिंग या मल्टीपल ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज करते हैं। दी रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स, वेस्टेज ओनली बिकम दी रॉ मटेरियल फॉर अदर्स, इट इज यूज्ड इन फर्नीचर मेकिंग, ठीक है। ये था हमारा क्या, मल्टीपल ऑपरेशन या एक्टिविटी कॉस्टिंग, मीन्स समझ में आ गया होगा, मतलब एक ही इंडस्ट्री में जहाँ पे बहुत से चीजें मैन्युफैक्चर होते हैं। मल्टीपल कॉस्टिंग मोर देन वन कॉस्ट, मल्टीपल कॉस्टिंग मतलब क्या, दोनों में अंतर है फ्रेंड्स। यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन कॉस्टिंग या एक्टिविटी मतलब जहाँ एक से ज्यादा काम होते हैं, मल्टीपल कॉस्टिंग मीन्स जहाँ पे एक ही इंडस्ट्री में जब एक से ज्यादा कॉस्टिंग मेथड को अप्लाई किया जाता है कॉस्ट को एसर्टेन करने के लिए, वहाँ पे मल्टीपल कॉस्टिंग हम लोग यूज करते हैं। मल्टीपल कॉस्टिंग एक बार पढ़ देते हैं फिर से हम, मोर देन वन कॉस्टिंग मेथड इज अप्लाइड, उसको वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या, मल्टीपल कॉस्टिंग। नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस एंड सब्सिक्वेंटली असेंबल्ड इनटू ए फाइनल प्रोडक्ट, इन सच इंडस्ट्री कंपोनेंट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर इन प्राइस, मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेके एक साथ असेंबल कर दिया जाता है और एक न्यू फिनिश प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। तो वहां पे हमारा क्या लगेगा, मल्टीपल कॉस्टिंग का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, साइकिल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। ऑटोमोबाइल क्या है कि टायर कहीं से लिया, इंजन कहीं से बना, बॉडी कहीं से बना, उसको एक जगह पे लाके असेंबल कर दिया और वो एक न्यू फिनिश प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। टाइपराइटर हो गया, रेडियो हो गया, सीविंग मशीन ले सकते हैं आप लोग, ये सारे कुछ एग्जाम्पल है। और इसके पहले भी मैंने जो मल्टीपल कॉस्टिंग के एग्जाम्पल दिए थे प्रीवियस वीडियोस में, उन सबको भी आप लोग रिकॉल करिए, उन वीडियोस को आप लोग जरूर से व्यू कर लीजिए एक बार, तब जाके इस वीडियो को आप देखिएगा तो समझ में बेहतर आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो क्या है, इसमें सिर्फ नाम पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। तो कौन कौन से टेक्निक है उसको देख लीजिए, ठीक है। तो और इसमें से कोई ऑड वाला भी अगर ऑप्शन में दे देगा, पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, ठीक
तो क्या क्या टेक्निक है देख ले हम लोग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स द वेरिएबल कॉस्टिंग, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम इज ग्रेटर। प्रॉफिट कब, कहना क्या चाह रहा है, प्रॉफिट वॉल्यूम इज ग्रेटर मीन्स वेरिएबल कॉस्टिंग मीन्स क्या है, जहाँ पे प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे वहाँ पे कॉस्टिंग क्या होता जाएगा, अकॉर्डिंग टू द यूनिट प्रोड्यूस आपका कॉस्टिंग इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉस्टिंग भी इंक्रीज होता जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्टिंग। तो जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रॉफिट भी उतना बढ़ेगा। तो वही बात कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्टिंग से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्रेटर होगा, मतलब बढ़ता चला जाएगा। फिक्स कॉस्ट इग्नोर किया जाता है, पता है हम लोगों को कि वेरिएबल कॉस्टिंग में फिक्स को इग्नोर किया जाता है। यूज फॉर कंप्यूटिंग वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, तो वेरिएबल कॉस्टिंग इज यूज फॉर कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि इट इज यूज फॉर कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बाय द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बाय द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, इफेक्ट कैसे आएगा प्रॉफिट पे, जैसे ही हम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे चेंजेस करेंगे तो प्रॉफिट वॉल्यूम पे भी क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने एक बार यहाँ पे आपको रिकॉल करवाया, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्रेंड्स होगा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो जब सारे कॉस्ट को हम डिडक्ट कर देंगे प्राइस से तो जो लास्ट में बचा हुआ होगा बैलेंस, दैट बैलेंस इज कॉल्ड योर प्रॉफिट बैलेंस, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पढ़ा था हम लोगों ने, कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये देखिए, कंट्रीब्यूशन यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला इसके पहले वीडियोज में भी देखे थे। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का एक न्यू फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी एक कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, इसीलिए जो जो अल्टरनेट फॉर्मूले भी है अगर किसी का तो वो भी याद रखना है। ये नहीं कि एक फॉर्मूला याद करके काम हो जाएगा, न्यूमेरिकल तो नहीं आने वाला कि एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो काम आ जाएगा। ऑप्शनल आएगा क्वेश्चन तो ऑप्शन में कुछ भी उठा के दे सकता है, पूछ देगा कि फिक्स कॉस्ट क्या कंट्रीब्यूशन का पार्ट है, तो येस इट इज द पार्ट ऑफ द फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो अगर पिछले वाले फॉर्मूले को आप देख के कहेंगे कि नहीं वेरिएबल कॉस्ट इसका पार्ट है फिक्स कॉस्ट, तो अगर इस फॉर्मूले को हम ना देखते हैं तो पता नहीं चलता कि फिक्स कॉस्ट पार्ट है कि नहीं। तो इसलिए सारे फॉर्मूलेस को रिकॉल करके रखना है, याद करके रखना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स द प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग, इसके पहले भी बताया था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स द प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि मार्जिनल कॉस्टिंग किसका पार्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही पार्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग देखिए, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल मतलब क्या, हिस्टोरिकल मतलब जो पहले से पहले जो हो गया है, ठीक है ना। वो कॉस्ट, अब यहाँ पे हम लोग कॉस्टिंग के टर्म में पढ़ रहे हैं, मतलब वो कॉस्ट जो पहले इनकर हो चुका है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। इसमें देखिए लिखा है कि ऑल्सो कॉल्ड पोस्टमार्टम कॉस्टिंग। पोस्टमार्टम कॉस्टिंग मीन्स पहले से इनकर हो चुका है, अब आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब उसका एनालाइजिंग करेंगे। पोस्टमार्टम मीन्स एनालाइज करेंगे उसको, ठीक है, एनालाइज करेंगे। फर्स्ट इंकर्ड एंड देन दे आर एसर्टेन, वही बात हो गया, पहले इंकर हो चुका है और फिर उसको हम लोग एसर्टेन करते हैं, एनालाइज करते हैं और देखते हैं किस प्रोडक्ट में कॉस्टिंग ज्यादा इंकर हुआ है किसमें कम, ठीक है फ्रेंड्स। डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, पता पढ़ा हो, पढ़ा था हम लोगों ने, क्या कॉस्ट शीट पढ़ा था ना हम लोगों ने, उसमें पढ़ा था हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट, याद आ रहा होगा। प्राइम कॉस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होता है। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टू ऑपरेशन। डायरेक्ट कॉस्टिंग मीन्स वो सारे कॉस्टिंग जो कि डायरेक्टली इनकर्ड हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते समय, ऑल ऑल दैट कॉस्ट आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्टिंग। लिविंग ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, जब यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्टिंग की बात की जा रही है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का कोई जगह बनता ही नहीं है अपने किसमें, डायरेक्ट कॉस्टिंग में। तो लिविंग ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग कहाँ से राइट ऑफ करते हैं, प्रॉफिट में से, ठीक है। अब है क्या, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मीन्स इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट टू द प्रोडक्ट। एब्जॉर्प एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम लोग ने पढ़ा था,
ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन मीन्स कि जिस जिस प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी कॉस्ट इंकर्ड हुआ है, वेदर इट इज द फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, उन सारे कॉस्ट को हम लोग क्या कर दे, उसी प्रोडक्ट में एलोकेट कर दे, ठीक है ना, जिससे कि प्रोडक्ट का सही कॉस्टिंग आप डिटरमाइन कर सके। इन दिस कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट आर, अच्छा दोनों कॉस्टिंग को ही हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं इन। आगे देखिए क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग। एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग क्या क्या है, मटेरियल है, लेबर है एंड एक्सपेंसेस है। दीज ऑल आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ओवरहेड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओवरहेड क्या होता है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ओवरहेड होते हैं। तो ओवरहेड मीन्स द इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टाइप ऑफ ओवरहेड देखिए, मैंने यहाँ पे पढ़ा तो था, हम लोगों ने कॉस्ट शीट में पढ़ा था हम लोगों ने कि ओवरहेड क्या होता है, तो इसमें फिर से मैंने बता दिया कि ओवरहेड कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, प्रोडक्शन वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो इसके बाद जो भी हम लोग कुछ और भी मिसलेनियस चीज़ों को पढ़ना है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए हम लोग के कॉमर्स नेशन के चैनल के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। प्रीमियम टेस्ट सीरीज कॉमर्स नेशन के ऐप में जाके परचेस करिए, ठीक है, और अपने टेस्ट को देते रहिए हर रोज, और अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहिए, बूस्ट करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो, हमारे कॉमर्स नेशन टीम आप लोगों के साथ हमेशा है। जो भी प्रॉब्लम है, किसी चैप्टर में कंफ्यूजन है, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो पूछते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गेट क्वालिफाइड।